एक एसपी साहब है हमारे डॉक्टर संसार सिंह, जाट कम्युनिटी के हैं लेकिन बुद्ध को मानते हैं, जाट कम्युनिटी ठीक है लेकिन बुद्ध को मानते हैं। और जिस दिन मैं उनके घर पे गया, उन्होंने जानते हैं करवा चौथ का कार्यक्रम नहीं हुआ, पंचशील कराई गई से घर में। ये देखिए दूसरे लोगों में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, कि आप ऐसे समाज में पैदा हुए हो कि जिस महापुरुष का नाम भारत के अलावा विदेशों में सम्मान के साथ लिया जाता है। और याद रखो, आप ऐसे धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में बैठे होते हो, आप ऐसे बुद्ध को मानते हो कि हमारे भारत का भी गुजारा बुद्ध के नाम पे ही होता है, और बुद्ध के नाम पे ही चंदा मिलता है, बुद्ध के नाम पे धन मिलता है, बुद्ध के नाम पे हमारे देश को सम्मान मिलता है। आज ये भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, ऐसे भिक्षु प्रशिक्षण जो चलाया गया है 10 दिन का, एक ऐसे माहौल में चलाया गया है। आज का महीना कौन सा चल रहा है वर्तमान का? अक्टूबर। और आज के दिन भी धम्म दीक्षा बाबा साहब अंबेडकर ने दी थी। कहां दी थी? चंद्रपुर। चंद्रपुर में 16 अक्टूबर को बड़ी बहुत भारी संख्या में, लाखों की तादाद में वहां पे भी बौद्ध धम्म दीक्षा दी थी। 14 अक्टूबर को तो सभी जानते हैं, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि के प्रांगण में धम्म दीक्षा ली। ये धम्म दीक्षा का सिलसिला वाला महीना चल रहा है, पूरे देश में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है चारों तरफ। यहां भी भारत में, भारत के बाहर और भी कहीं, जब बाबा साहब में आस्था रखते हैं, बुद्ध में आस्था रखते हैं, बुद्ध को जो अपना जीवन अर्पित समर्पित करते हैं, जब बौद्ध लोग रहते हैं वो दूसरों को भी बौद्ध बनाने का काम करते हैं। आपत्तिजनक बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है हम और आप सब मिलकर भारतवासी कुछ और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसान को इंसानियत का एहसास करा रहे हैं, मानव को मानव का एहसास करा रहे हैं कि तुम मानव हो, मानव ही पैदा हुए हो, मानव ही बनो। लेकिन यहां तो इंसान पैदा होता है उसको हैवान बनाने की बात कही जाती है, क्योंकि सच्चाई है, किसी शायर ने भी कहा होगा, मैंने तो सुना है, बरसों पुराना सफर खाक हुआ जब पता चला किस जात के हो तुम। यहां तो इंसान पैदा होता है, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, मासूम बच्चा पैदा होता है, वो नव शिशु बच्चा क्या जाने कि मेरी माँ कौन है। उसको तो माँ हम बोलना सिखाते हैं, मम्मा बोलना, पापा बोलना, चाचा बोलना, भैया बोलना, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही वो रिश्तों में बंधता चला जाता है। जिस बच्चे को पैदा होने के बाद ये पता नहीं है कि मेरी माँ कौन है, उसको ये कैसे पता कि मैं कौन सी जाति का हूं, मैं कौन से संप्रदाय से हूं, मैं कौन से समुदाय से हूं, मुझे किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी है, किसका बेड़ा गर्क करना है, किसका उत्थान करना है, उसको कुछ पता नहीं है। वो तो एक कोरे कागज की तरह उसकी मस्तिष्क और बुद्धि पटल सब बिल्कुल खाली होता है, उस पर जो हम लिख देते हैं वो बात लिखती चली जाती है। यानी कि बच्चे को जिस प्रकार से हम संस्कारों में सींचेंगे वैसे ही बच्चा बड़ा होता चला जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि आज भारत में, अभी बुद्ध को जी ने इतनी बड़ी बात कही, पूज्य भंते जी ने बहुत सारी उपदेश के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, लेकिन इन बातों का अस्तित्व जब ही बना रहेगा जब हम सुनकर के इनको झाड़ के छोड़ के नहीं जाएंगे, जब हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे, अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे और आचरण में लाएंगे। इसलिए मेरा कहने का तो मतलब एक ही रहता है कि हम सब बौद्ध बने, बौद्ध लिखें, बौद्ध दिखें, और वो भी संस्कारों में। आज हम चहल पहल के देखते हुए सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ दिन पीछे वही अंधेरा नजर आता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं मस्जिद की नमाज बंद नहीं होती, चर्च की प्रेयर बंद नहीं होती, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ बंद नहीं होता, और भी जितने धर्म वाले हैं वो अपने अपने पालन करते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन हमारे बुद्धार सुने क्यों? हमारे बुद्धारों में प्रेयर क्यों नहीं? हमारे बुद्धारों से संदेश क्यों नहीं जाता है? क्योंकि युवा पीढ़ी भिक्षु बनने को तैयार नहीं है, युवा पीढ़ी भिक्षु बनने को तैयार नहीं है। और जो बनते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आज ये 10 दिन में इनको कम से कम बच्चों के अंदर कुछ सूझ बूझ समझ, अच्छी सोच, नई भावनाएं पैदा होंगी, धम्म के लिए ये लोग समर्पित रहेंगे। तो ऐसे सामने प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे बच्चों के अंदर जो विकार हैं, या जो बड़े लोग हैं हमारे उनके अंदर विकार हैं, विकृतियां हैं, जो कुछ फैल जाती हैं आ जाती हैं, वो दूर होती है। संग देखने को मिला, आपने इनका
आशीर्वाद लिया, आपने इनका मंगल मित्री लिया, आपको पंचशील स्वीकार कराया गया। आज बड़ा खुशी का दिन है हम सब के लिए कि 16 अक्टूबर 2022 को बुलंदशहर जैसे जनपद में इतना भव्य कार्यक्रम जो किया है। अब इससे एक संदेश जरूर जाना चाहिए, करवा चौथ आई, बहुत से मेरे बौद्ध समाज के लोग जिनके बीच में मैं गया था, अभी मैं उस दिन रामपुर में था। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक एसपी साहब है हमारे डॉक्टर संसार सिंह, जाट कम्युनिटी के हैं लेकिन बुद्ध को मानते हैं, जाट कम्युनिटी ठीक है लेकिन बुद्ध को मानते हैं। और जिस दिन मैं उनके घर पे गया, उन्होंने जानते हैं करवा चौथ का कार्यक्रम नहीं हुआ, पंचशील कराई मेरे से घर में। ये देखिए दूसरे लोगों में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि हम सब लोग अंधश्रद्धा को त्यागें, पाखंडवाद को त्यागें, रूढ़वादी व्यवस्थाओं को त्यागें, जिन व्यवस्थाओं के कारण हम मानसिक गुलाम बन गए। दो प्रकार की गुलामी होती है, एक मानसिक गुलामी, एक शारीरिक गुलामी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 साल तक जो अध्ययन किया वो इसी बात पर किया था कि मुझे कौन सा धर्म देना चाहिए, क्योंकि मेरा समाज सदियों से ज्ञान से वंचित है, अनपढ़ अशिक्षित है, भोला भाला है, सीधा साधा है, सदियों से गुलाम रहा है, मानसिक गुलाम रहा है, इसको कभी समाज होने का फक्र नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा समाज को धम्म दे के जाना चाहिए जिसमें अंधविश्वास ना हो, पाखंडवाद ना हो, कर्म कांड ना हो, रूढ़वादी व्यवस्थाएं ना हो और ज्यादातर लूट खसोट वाली व्यवस्थाएं ना हो। तो देखा कि महान सागर की तरह, समुद्र के महासागर की तरह बुद्ध का धम्म है जिसमें जाति प्रथा समाप्त होती है और समता मूलक समाज की स्थापना होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने इतना अति उत्तम उच्चतम कोटि का हम सबको धम्म दिया है, हमें सम्मान करना चाहिए उनके विचारों का, उनके त्याग का। बाबा साहब के त्याग के बारे में जितना बोलो उतना कम, जितना बोलो उतना कम। हम बोलते ही आ रहे हैं 75 साल से जो भी है हम बोलते ही आ रहे हैं, बाबा साहब का त्याग पूजनीय है, अतुलनीय है, बहुत बड़ी बात है। बुद्ध का समर्पण, बुद्ध का त्याग, उनके उदाहरण पर, उनके ज्ञान पर लोग आज पता नहीं, जिस देश ने बुद्ध के ज्ञान को मान लिया उस देश की प्रगति हो गई, वो देश प्रगतिशील बन गए। लेकिन जिन देशों ने बुद्ध के विचारों का दमन किया उन देशों की कितनी दुर्गति हो रही है वो आप अच्छे से जानते हैं। इस देश में पढ़ा लिखा समाज होकर के भी अंधविश्वास पाखंडवाद में जब अपने आप को विलीन कर देता है तो बड़ी शर्म आती है। जब पीएचडी लड़की, आईपीएस लड़की, आईएएस लोग जब जाके माथा टेकते हैं मंदिरों के आगे तो बड़ा अजीब लगता है, बहुत हंसी आती है। तो मेरा मतलब यही है साहब, आज 70-75 साल हो गए और इतना देख लीजिए अच्छे से कि बाबा साहब का बलिदान एक दिन का नहीं था। बाबा साहब ने तो जिस दिन से जन्म लिया उसके कुछ दिन से बाद ही उनको सब कुछ स्वीकार करना पड़ गया और उन्होंने ये प्रण किया कि जो अन्याय अत्याचार मैं सहन जो किया है मैं अपने समाज को नहीं करने दूंगा, ये प्रण किया, संकल्प लिया और उन्होंने अपने वचन पूरा किया। हम सबका कर्तव्य है कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है लेकिन बाबा साहब के विचार हमारे बीच में। मूर्ति टूटती है बाबा साहब की तो खून खोलता है, मूर्ति टूटती है तो ट्रक जला देते हैं, बसें जला देते हैं, गांव जला देते हैं, बहुत कुछ आग जनी कर देते हैं। लेकिन रोज हर रोज बाबा साहब के विचार तोड़े जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं खोलता है, हमारा कुछ नहीं खोलता, क्योंकि हम इधर भी हैं उधर भी हैं। इधर आए तो जय भीम, उधर गए तो दूसरा नारा, वो भी तैयार है, दूसरा भी तैयार है। अब आ जाते हैं परंपराओं पे, दीपावली आ रही है तो हम दीपावली मनाते नहीं है तो क्या कहते हैं, हम तो नहीं मनाते लेकिन बंदे जी कुछ हमारे बच्चे मानते नहीं है। अरे कमाल है, तुम्हारे बच्चे कौन से हैं? मुसलमान के बच्चे मुसलमान की बात मानते हैं, सिख के बच्चे सिख की बात मानते हैं, जैनियों के बच्चे जैन की बात मानते हैं। तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं? तुम्हारे बच्चे के पड़ोसी के बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, बड़े अजीब बात, कौन से संस्कार दे रहे हो भाई? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात ना माने फिर तुम्हारे बच्चे, इसका मतलब वो नहीं है। तुम्हारे बच्चे वही हैं जो तुम्हारे दियो संस्कारों को बढ़ावा दें। मेरे प्रिय धम्म बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूं, आज हम सब बाबा साहब के विचारों पर बहुत देर बोलते हैं और सही बात भी है, हम उनका कितना ही गुणगान गाएंगे तब भी वो बहुत कम है, तब भी वो बहुत कम है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को स्थापित कर लेंगे वही बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। और आज 16 अक्टूबर के दिन आप लोग ऐसे पांडाल में, ऐसे प्रांगण में बैठे हुए हैं
जहां पर एक बहुत भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा विराट रूप आपके सामने बैठा हुआ है। ऐसा विराट रूप भिक्षुओं का कभी कभी देखने को मिलता है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दिए और एक एक भिक्षु तपा हुआ है। एक बात याद रखना, ब्राह्मण पैदा होता है, भिक्षु पैदा नहीं होता, भिक्षु तपता है। ब्राह्मण तो पैदा होते ही ब्राह्मण है, लेकिन भिक्षु को तो तप करना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है, जगह जगह भिक्षा करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भिक्षु का सफर है। भिक्षु जब भी आपको बताएगा वो अपना अनुभव बताएगा, सुनी हुई कही हुई बातें नहीं, वो अपना अनुभव वो बताएगा जो उसने हासिल किया है। बहुत समय हो चुका है हमारे बीच में, सही दिशा में और सही उसमें संबोधन तो पूर्ण रूप से पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी करेंगे। मैं तो इस बात से ही बड़ा कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ भंते जी को कि वो हमें बुलंदशहर में लाकर हम सब अपनों से परिचित करा देते हैं। मैं भले ही बुलंदशहर का रहा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 24 साल दिल्ली में हो गए। कुछ भंते जी के आशीर्वाद से बाहर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और भारत के सभी राज्यों में भ्रमण करने का मौका मिला। तो हर व्यक्ति को खुशी मनानी चाहिए कि आप ऐसे समाज में पैदा हुए हो कि जिस महापुरुष का नाम भारत के अलावा विदेशों में सम्मान के साथ लिया जाता है। और याद रखो, आप ऐसे धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में बैठे होते हो, आप ऐसे बुद्ध को मानते हो कि हमारे भारत का भी गुजारा बुद्ध के नाम पे ही होता है, और बुद्ध के नाम पे ही चंदा मिलता है, बुद्ध के नाम पे धन मिलता है, बुद्ध के नाम पे हमारे देश को सम्मान मिलता है। लेकिन आपको यहां बांट दिया जाता है कि नौ दुर्गा इतने सर पे बाल नहीं है, उतने तो कार्यक्रम है। बाबा साहब ने कहा भी है कि आप इस पाखंडवाद को छोड़ दोगे, उसी पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा में लगा दोगे, तो कोई देश का हमारा बच्चा गरीब नहीं रहेगा, कोई उपासक गरीब नहीं रहेगा। अच्छे अच्छी जगहों पर अपने रुपए का इस्तेमाल करो। मैं आप सभी के सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ। पुनः मौका मिलेगा कभी फिर पधारेंगे। मैं सभी बुलंदशहरवासी, मंडलवासी और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरवासियों के लिए भारतीय बौद्ध महासभा का खासतौर पर मैं अभिनंदन साधुवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने जो उत्तर प्रदेश की भारतीय बौद्ध महासभा है, इन्होंने मैंने खुद देखा है मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है जहां पर इनकी ब्रांच, इनकी शाखा ना हो। इसको कहते हैं धरातल पर काम। इन लोगों ने काम किया है और इनके कार्य को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इनकी पूरी